नमस्कार, आप देख रहे हैं BNM भारत न्यूज। जनपद बुलंदशहर के थाना औरंगाबाद पुलिस ने चोरी के वाहनों को ठिकाने लगाने वाले चार शातिर बदमाशों को चोरी के वाहनों, काटे गए वाहनों के इंजन पार्ट्स, औजारों सहित बंदी बनाकर जेल भेजा है, जबकि तीन बदमाश पुलिस को चकमा देकर भाग निकलने में कामयाब रहे। फरार अभियुक्तों को पुलिस सरगर्मी से तलाश रही है। पुलिस ने यह कार्रवाई स्वाट टीम के साथ मिलकर की है। खास मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस और स्वाट टीम ने औरंगाबाद में कमल पैलेस के निकट भूरा कबाड़ी, सोमवीर कबाड़ी तथा जुबेर कबाड़ी के गोदामों पर छापा मारकर भारी मात्रा में वाहनों के पुर्जे, इंजन आदि बरामद किए हैं। इनके गोदामों पर चोरी की 5 कारें तथा 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई हैं, जो चोरी की बताई जा रही हैं। पुलिस ने बताया कि चोरी के सभी वाहनों को काटकर उनके पार्ट्स बेचने के गैरकानूनी धंधे में लिप्त थे। वाहन काटने के उपकरण भी इनके गोदाम से बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इनके नाम पर पपन पुत्र शरीफ निवासी मोहल्ला रुकन सराय कोतवाली बुलंदशहर, जुबेर पुत्र फकरुद्दीन मोहल्ला फैजलाबाद कोतवाली बुलंदशहर, रजा हुसैन उर्फ भूरा पुत्र नत्थू खान निवासी ग्राम राजपुर थाना बहजोई संबल हाल निवासी बच्चू मलका बाग कस्बा औरंगाबाद तथा सोमवीर सिंह पुत्र ओम प्रकाश मोहल्ला अजीजाबाद कस्बा औरंगाबाद बताया जा रहा है। स्वाट टीम में मोहम्मद असलम प्रभारी निरीक्षक, हेड कांस्टेबल मनोज दीक्षित, अशोक कुमार नीरस्यागी, प्रबली तोमर, कपिल नैन, आरिफ एवं सचिन चौहान शामिल रहे। गिरफ्तार करने वाली टीम में विनोद कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना औरंगाबाद, उप निरीक्षक महिपाल सिंह व सत्येंद्र मलिक, हेड कांस्टेबल विकास चौधरी, राजवीर सिंह, नरेंद्र कुमार व दीपक कुमार शामिल रहे। फरार अभियुक्तों को पुलिस सरगर्मी में तलाश रही है। ब्यूरो रिपोर्ट BNM भारत न्यूज। ये जनपद बुलंदशहर में स्वाट टीम और औरंगाबाद पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में ये चार लोग आज अरेस्ट किए गए हैं, और जिसमें कई गाड़ियां बरामद हुई हैं, और ये लोग अवैध कटान किया करते थे गाड़ियों की, और उसमें जो विस्तृत उसकी जांच की गई, तलाशी ली गई, तो वहां पे इनके गोदामों से कुल अभी तक हम 2 गाड़ी कनेक्ट कर पाए हैं जो चोरी की गाड़ियां हैं, और 5 जो साबुत कारें भी मिली हैं, 4 व्हीलर्स, और बहुत सारे सामान जो कटाई के औजार हैं, सिलेंडर वगैरह, गैस कटर वगैरह, और तमाम चेसिस और जो इंजन के पार्ट्स हैं वो मिले हुए हैं। और 4 लोग इसमें अरेस्ट किए गए हैं। जो मेन आदमी है वो औरंगाबाद क्षेत्र का ही रहने वाला भूरे उर्फ रजा हुसैन है, उसके साथ 3 लोग और अरेस्ट हैं। बाकी 3 लोग मौके से फरार हैं, उनके लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं, जल्दी उनको भी पकड़ लिया जाएगा। ये लोग विभिन्न जो हरियाणा नंबर की कई गाड़ियां मिली हैं, और यहां के उत्तराखंड से लेके यूपी के नंबर तक की गाड़ियां मिली हैं, दिल्ली के नंबर की गाड़ियां मिली हैं, इनको अवैध रूप से काटते थे, इनके पास कोई लाइसेंस नहीं था, और कुछ जो सस्पेक्टेड वाहन हैं, सस्पेक्टेड जो चेसिस नंबर हैं, इंजन नंबर हैं, उनकी जाँच की जा रही है। आगे इसमें विस्तृत रूप से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। इन पे सर पूर्व में भी कोई मुकदमे हैं इन लोगों? इसमें एक व्यक्ति है जिसके ऊपर पहले भी मुकदमा है इस तरीके का, बाकी और लोगों का आपराधिक इतिहास तलाशा जा रहा है, देखा जा रहा है। सर ये गाड़ियां ये खुद चोरी करते हैं, कहीं से चोरी करने वाला इनकी बात चला देते हैं? इनका एक नेटवर्क पता लगा है अभी इनिशियल जांच में, तो उसमें कुछ मैकेनिक से संपर्क है और अन्य लोगों से संपर्क है, तो उनके जरिए ये प्राप्त करते थे और डायरेक्ट भी प्राप्त करते थे, तो इसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। आगे जो भी नाम इसमें प्रकाश में आएंगे उनको भी बुक किया जाएगा। पार्ट्स भी आगे जो पार्ट काटे गए उनको बेचा जाता था कहीं ना कहीं कबाड़ियों को, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। अब ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिनका भी नाम प्रकाश में आएगा किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि ये अपराध और अपराधियों के विरुद्ध 0 टॉलरेंस नीति है SSP साहब की। ठीक सर।